साइंस किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे देश के डेवलपमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विज्ञान ने कई तरह से समाज पर गहरा प्रभाव डाला है, सेहत से लेकर कृषि, संचार, तकनीक, अंतरिक्ष खोज जैसी कई नामुमकिन चीजें साइंस के जरिए ही तो मुमकिन हो पाई हैं। ऐसे में हमारे बीच उभरते वैज्ञानिकों को प्रेरित करने और विज्ञान के क्षेत्र में हुए चमत्कारों को याद करने के लिए एक समर्पित दिवस जरूर होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 1986 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी NCSTC की सिफारिश पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का जश्न मनाना और युवा पीढ़ी को विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। 28 फरवरी को चुने जाने के पीछे भी कुछ खास रीजन है। दरअसल साल 1928 में 28 फरवरी के ही दिन भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इसी दिन की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर चुना गया। जहां आपको एक खास बात बता दें कि इसी खोज के लिए सर सीवी रमन को साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हर साल इस दिवस को मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है। साल 2024 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत है, जबकि साल 2023 के लिए ये थीम विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक स्थायी भविष्य के लिए रखी गई थी। साल 2024 की ये थीम भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को याद दिलाने और समाज में इन विषयों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये दिन हमें उन अनेक भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना करने का मौका देता है, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।